साल का आखिरी दिन, व्हाट्स अप माय पीपल। गोवा में पहुंच गया हूँ, चिल कर रहा था। बीवी ने बोला इस साल चैनल शुरू किया बिना किसी उम्मीद के साथ, 3.5 लाख पार हो गए, तो सब व्यूअर्स के लिए एक ईयर एंडर काउंटडाउन तो बनता है। तो तैयार कर लिया मेरी क्रिकेटिंग मोमेंट्स, मेमोरीज, मैं कहाँ पे था इस पूरे काउंटडाउन में। लेकिन गोवा की जो हवा है ना, वहाँ पे थोड़ा नमक ज़्यादा है और इस साल भी मिठास कम, थोड़े नमकीन नतीजे ज़्यादा रहे हमारी इंडियन टीम के लिए। खैर, वी विल लुक बैक एट ऑल द रिजल्ट्स। आप टेंशन मत लो, शाम को स्टैग एंट्री महंगी है लेकिन ये वीडियो एकदम फ्री है, तो फिर आराम से बैठो, नो कपल एंट्री। जो देख रहा है, प्यार बांट रहा है, उसके लिए फ्री। साल की शुरुआत हुई थी एक बड़ी जबरदस्त उम्मीद के साथ कि हम साउथ अफ्रीका में अपनी पहली सीरीज जीतेंगे। अब पिछला जो साल था 2021, उसकी शुरुआत हुई थी गैबा फतेह करके और खत्म हुआ था सेंचुरियन पे जीत के साथ, इंडिया की पहली जीत साउथ अफ्रीका के गढ़ पे। उसके बाद बचे थे 2 टेस्ट मैचेस। पहला शुरू हुआ साल के पहले हफ्ते 3 जनवरी को, विराट कोहली की पिच में खिंचाव था, वो खेले नहीं, भारत वो टेस्ट मैच हार गया। 240 बनाने थे साउथ अफ्रीका को चौथी इनिंग में, बुमराह थे, शमी थे, लेकिन इंडिया नहीं डिफेंड कर पाया। और पहले ही हफ्ते एक तो मोमेंटम निकल गया और नतीजों की गृह दिशा ने जो भारत से मुंह फेरा, पूरे साल वापस मुड़ के देखा ही नहीं। तीसरा टेस्ट मैच भी हाथ से निकल गया और उसी के साथ फिसल गई उम्मीदें साउथ अफ्रीका में पहली सीरीज जीत की। अभी ये नतीजा हजम भी नहीं हुआ था कि 15 जनवरी को विराट कोहली ने अपने टेस्ट मैच की कैप्टेंसी को भी त्याग दिया और उसके साथ खत्म हुआ द ईरा ऑफ विराट कोहली द कैप्टन। टेस्ट मैचेस में आर्ग्यूबली ही विल गो डाउन हिस्ट्री एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कैप्टन, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी में जो 6-7 साल जिस अंदाज से हम खेले, जिस अग्रेशन से हम खेले, 5 बॉलर्स की थ्योरी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बॉलिंग के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी टीम बनाई जिसने दुनिया पे राज किया, एंड दैट विल फॉरएवर बी हिज लेगेसी। रूथलेस डिसीजंस, फिटनेस पे ध्यान, एक मोहर लगाई विराट कोहली ने जो खत्म हुई इस फैसले के साथ। अब रोहित शर्मा बन गए टीम के कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में और इंडिया बदल रही थी अपना टेम्पलेट T20 फॉर्मेट खेलने का। उसके बाद आया जी IPL और IPL वापस घर लौटा 2 सीजन्स के बाद अपना त्यौहार गुजरात टाइटंस। फाइनल में बबल नहीं था जिसके लिए मैं और इरफान ट्रैवल करके गए थे अहमदाबाद। बॉस रोंगटे खड़े हो गए थे, AR रहमान की परफॉर्मेंसेज, 1 लाख लोग स्टेडियम में, गुज्जू भाई एकदम मजा में। पहली टीम, अपनी टीम, पहला फाइनल और ट्रॉफी। कुछ मोमेंट्स बताता हूँ। जब वो परफॉर्मेंसेज चल रही थी, हार्दिक पंड्या बैठे थे क्योंकि कैप्टन्स ने स्टेज पे आना था और इन्जॉय कर रहे थे परफॉर्मेंसेज को। फाइनल खेलना था, पहला फाइनल एज कैप्टन, बट ही वॉज इन्जॉइंग इट। साथ में इन्जॉय कर रही थी ड्रेसिंग रूम में टीम भी। ऐसा लगा कि यार ये प्रेशर को महसूस नहीं होने दे रहे। दे टुक द फाइनल डे एज अ नॉर्मल डे। एंड में टाइटल जीत गए। प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक कोने पे चल रही थी, आशीष नेहरा हमारे साथ गप मार रहे थे और उसके पहले 10-15 मिनट ग्राउंड्समैन के साथ थे। ट्रॉफी मिल रही है टीम को बट कोच वॉज चिलिंग। उनसे जब हमने कहा कि थोड़ी एक्साइटमेंट ही, लाइक क्या होता, हार भी जाते, क्रिकेट तो हम अच्छा खेले थे, फाइनल के दिन हार जीत लगी रहती है, लेकिन वॉट मैटर टू हिम वॉज की टीम अच्छा खेली। एंड ये वाइब थी थोड़ी MS धोनी वाली, और MS धोनी वाली वाइब मिली गुजरात टाइटन से, और शायद इसीलिए किसी एक्सपर्ट ने चांस नहीं दिया था, लेकिन आए और टाइटल जीत के चले गए। हार और जीत में ओवर एक्साइटमेंट या डेस्परेशन गुजरात टाइटन्स ने नहीं दिखाई। मैन मैनेजमेंट एक्सीलेंट। हार्दिक पांड्या में मिले हमें अपने एक नए कप्तान जो साल खत्म होते होते इंडियन टीम के अब T20 कैप्टन बन गए, सो विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एशिया कप आया और यहाँ पे देखना था कि अब तक जो हम टेम्पलेट बदल रहे थे, जो हमने इतने प्लेयर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट चल रही थी, इंजरी मैनेजमेंट चल रही थी, अलग अलग कैप्टन्स लीड कर रहे थे, अब एकजुट होकर टीम कैसे खेलेगी। शुरुआत तो एक गदर मैच के साथ हुई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहाँ पे वो पुरानी वर्ल्ड कप में मिली हार की थोड़ी हमने मरहम लगाई थी। लेकिन सुपर फोर्स आए और पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका ने बहुत चोट पहुंचाई, टीम ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच था, कहने को डेड रबर, लेकिन उसमें इंतज़ार खत्म हुआ 1021 दिनों का, और विराट कोहली के बैट से वो सेंचुरी आई जिसका इंतज़ार इंडिया को उतना ही था जितना सचिन पाजी के 100th का, 71st सेंचुरी विराट कोहली के लिए। उसके बाद आया जी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए हम पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। कह रहे थे ऑस्ट्रेलियन समर होगा, झूठ था। कश्मीर वाली ठंड पड़ी हुई थी और जितनी सेविंग बंदे ने की थी वो सारी सेविंग गर्म कपड़ों पर उड़ गई, लेकिन गर्मी दिखी मैदान पर। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऐसा सजा था शायद वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़ा। बहुत सारे लोकल ऑस्ट्रेलियंस थे, जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने MCG पे बहुत बड़े बड़े इवेंट देखे लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच कभी नहीं देखा। MCG पे कमेंट्री बॉक्स से नीचे ग्राउंड का रास्ता बहुत लंबा है। इक्वेशन आ गई थी
कि 8 बॉलों पे शायद 28 चाहिए। उस ओवर की शुरुआत में मैं नीचे जाने लगा था, सनी भाई पीछे बैठे थे, मैं पीछे मुड़ा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, एवरीवन वाज जस्ट कि दिस इज़ नॉट हाउ इट वाज मेंट टू बी, ये पिछले वर्ल्ड कप की तरह स्टार्ट हो रही है। बाहर पहुंचा, जैसे ही हैरिस राउफ 4 बॉल डाल चुके थे, सिर्फ शायद 3 सिंगल आए थे, एंड वो मोमेंट जो विराट कोहली ने पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के चेहरों को स्तब्ध छोड़ दिया, लाइक और इंडिया ने एक ऐसा मैजिकल मोमेंट पैदा किया जो मेरे 14 साल के ब्रॉडकास्ट करियर में वर्ल्ड कप 2011 की जीत के बाद वाज द मोस्ट स्पेशल, द ग्रेटेस्ट T20 गेम दैट आई हैव एवर सीन। आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, लिख के बताओ। खैर उसके बाद टाइम शुरू हुआ थोड़ा छुट्टी मनाने का, छुट्टी मना रहा था, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज शुरू हुई, सिर्फ इंडिया की बात नहीं बाकी बात भी, बेन स्टोक्स ने जो डिक्लेरेशन की, मैच चल रहा था मुल्तान के हाईवे पे, सब आ रहे थे रन बना रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो जी छोटा सा टारगेट दे रहे हैं, चेस कर सकते हो तो कर जाओ, क्योंकि उनको चाहिए टेस्ट क्रिकेट में एक्साइटमेंट। ऐसा ही रोल थोड़ा विराट कोहली अदा करने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन टीम करने की कोशिश कर रही थी, एंड बेन स्टोक्स मेड इट एंटरटेनिंग। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आखिरी दिन कप्तानी की, जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स थी, जो लंच के बाद उनका खुद का स्पेल था, क्योंकि और 2 फास्ट बॉलर्स थे उनके पास, ब्रिलियंट, एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। इस समय टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स ना सिर्फ इंग्लैंड की टीम को चला रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट की एक्साइटमेंट को चला रहे हैं, एंड मोर पावर टू हिम एंड द इंग्लैंड टीम, बाकी टीम भी साथ दें तभी टेस्ट क्रिकेट में जान बनी रहेगी और फैंस मैदानों पर आते रहेंगे। अब साल खत्म होते होते हमने कहा कि ऋषि सुनाक यूके में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़े भारतीय मूल के, तो थोड़ी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए थोड़े वहाँ पैसे भेजे जाएँ, और उसके लिए आईपीएल का ऑक्शन आया एंड इट वाज क्वाइट मेमोरेबल। सैम करन जो कि T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे फाइनल में, 18.5 करोड़, क्या बात है जी, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड विच विल बी वेरी हार्ड टू ब्रेक, वेरी वेरी हार्ड टू ब्रेक, लेकिन अपनी काबिलियत के साथ ये बिडिंग हुई है। मिनी ऑक्शन में मेगा प्राइसेस लग जाते हैं, सो सैम करन विल प्रॉब्ली से पैसा ही पैसा आया है, लेकिन काबिलियत के साथ आया है, सो दैट वाज द क्लोजिंग मोमेंट। क्योंकि उसके बाद बांग्लादेश में तो बस ODI सीरीज हम हार गए और टेस्ट मैचेस भी बाल बाल बचे। तो ये रहा 2022 का लेखा जोखा, लेकिन एक सबसे बड़ी जो खबर थी वो आई सेकेंड लास्ट डे पे, दिल दहल गया था जब पढ़ा ऋषभ पंत हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। अच्छी बात ये, तहे दिल से शुक्रिया अदा ऊपर वाले का, आप सभी फैंस की तरह, कि हमारा ये स्वीट हार्ट, हमारा ये चैम्पियन ठीक है, और शायद जो एक खतरे की घड़ी आई थी, जो बला आई थी, वो टल गई। सो हियर्स विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ऋषभ पंत फॉर हिज रिकवरी, अपने अंदाज में, ताबड़तोड़ अंदाज में वापसी करे, क्योंकि अभी ऋषभ पंत के चैप्टर बहुत जुड़ने हैं इस कहानी में, और मिसाल दी जाएगी इस खिलाड़ी की, टेस्ट मैचेस में अपना लोहा मनवा चुका है, अभी बहुत क्रिकेट खेलना है ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए, एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ मैच विनर। तो यही उम्मीद है कि आने वाला जो समय है ऋषभ के लिए, इंडियन टीम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुशियों से भरा हो, 2023 साल बेहतर हो, ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आए, और हम जम के मस्ती मारेंगे। और YouTube पे ये परिवार बढ़ता रहे, चैनल के प्रति प्यार अपना बांटते रहो, 3.5 लाख हो गए हैं, क्या पता 2023 में मिलियन का आंकड़ा छू जाए, भाई नया साल है, सपने बड़े रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हियर्स विशिंग यू, योर फैमिली, योर लव्ड वंस हैप्पी न्यू ईयर।